एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल पे। और आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये टॉपिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रामर का, इंग्लिश का, इंग्लिश सब्जेक्ट का। मैं तो सिर्फ बोलता हूं इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, जितने भी आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उन सब में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर ये आपको आ गया, इसको आपने समझ लिया, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आप बोलते हो सर इंग्लिश बोलना नहीं आता, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। What is the reason? How can we speak English? How can we learn to speak English? किस तरह से सीख सकते इंग्लिश बोलना? भाई ये टॉपिक कर लो, आपका हो जाएगा। अगर आपने टेंसेस सही से समझ लिया तो हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं ना, हम लोग इंडियन है, ठीक है, और हमारी भाषा हिंदी भाषा है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द रीजंस, हर क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं कॉमन लैंग्वेज की बात कर रहा हूं कि हम लोग सोचते भी हिंदी में है। तो अगर हमें इंग्लिश बोलना है तो हमें क्या करना होगा? हमें पहले अपने दिमाग में उस हिंदी वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होगा और तब जाके क्या होगा, हमारे मुंह से निकलता है। ओके, सो ये प्रोसेस होता है। अब जो लोग लगातार इसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनका इंग्लिश फ्लुएंट हो जाता है, उनकी फ्लुएंसी आ जाती है। और जो लोग शुरुआती स्टेज में है, ठीक है, वो थोड़ा रुक रुक के बोल पाते। ओके, तो मैं कह रहा हूं अगर आपको इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको अगर आपने इस टॉपिक को सही से कर लिया, टेंसेस को सही से समझ लिया, तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप मेरी बात मानिए, टेंसेस को सही समझना। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि टेंसेस को भी अब उस तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा जैसे पहले पढ़ाया जा रहा था। जैसे पहले के टीचर्स जो थे वो जिस तरह से पढ़ाया करते थे टेंसेस को, जिस तरह से समझाया करते थे, उस तरह से अब नहीं समझाया जा रहा है। अब आप हिंदी से रिलेट करके टेंस को नहीं पढ़ रहे, अब आप हिंदी से रिलेट करके टेंस को पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। मैं आपको दो तरीका बताता हूं। पहला तरीका, एक एग्जांपल लेते हैं, एक टेंस लेते हैं। पहला टेंस जो है वो हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमारा सबसे पहला टेंस जो है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, इसको दूसरा नाम भी दिया गया है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, कुछ जगह पे ये नाम दिया जाता है। ओके, तो इस टेंस को, इस टेंस के रिलेटेड, ओके, इस टेंस को समझाने का तरीका, दो तरीका है समझाने का। मैं एक बार बोल दूं कि द सेंटेंस विच इज रिलेटेड टू यूनिवर्सल फैक्ट और डेली हैबिट, जैसे यहां पे मैंने बोला सिचुएशन, इन कौन से सिचुएशन में आप यूज करने वाले हो, कौन से सिचुएशन में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करने वाले हो। इंग्लिश में अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊं तो यूनिवर्सल फैक्ट एंड डेली रूटीन वर्क, जो सनातन सत्य के सेंटेंस है, यूनिवर्सल फैक्ट का सेंटेंस है या फिर डेली रूटीन वर्क का सेंटेंस है, अगर इन चीजों से रिलेटेड कोई सेंटेंस आता है, जैसे चलो एग्जांपल देके बात हूं आपको मैं, यूनिवर्सल फैक्ट क्या है, तो यूनिवर्सल फैक्ट ये है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पूर्व में डूबता है, द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, अर्थ जो है वो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ओके, तो ये सारे सेंटेंस जो है वो यूनिवर्सल फैक्ट के हैं। तो यूनिवर्सल फैक्ट के सेंटेंस जो है वो इसमें आते हैं। और दूसरा हमारा डेली रूटीन वर्क, हमारा डेली रूटीन टास्क जो है, जैसे हम सुबह उठते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम नहाते हैं, हम नाश्ता करते हैं, ठीक है, मैं टीचर हूं तो मैं स्कूल में पढ़ाने जाता हूं, आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ने जाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे सेंटेंस जो है हमारे डेली रूटीन के हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपको सीधा बोल दूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस मींस व्हाट, तो द सेंटेंस विच आर रिलेटेड टू यूनिवर्सल फैक्ट और डेली रूटीन वर्क इज विल कम इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, ठीक है। फिर अब बच्चे सर खुजलाते हैं कि क्या होगा, ये हमारा मॉडर्न टेक्निक है, ठीक है, ये भी अच्छा टेक्निक है। ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो है ये एक मॉडर्न सिस्टम है, एक मॉडर्न टेक्निक है, ये हमारा सिस्टम जो है मॉडर्न सिस्टम है। अब मैं आपको पुराने सिस्टम जो हमारे टाइम पे जो मुझे जो मेरे सर ने पढ़ाया था, ठीक है, वो सिस्टम में बताता हूं। मुझे मेरे सर ने यह भी बताया था कि जो सेंटेंस यूनिवर्सल फैक्ट से रिलेटेड है, डेली रूटीन वर्क से रिलेटेड है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। लेकिन मुझे एक बात ऐसी बता दी
कि मुझे पता चल गया, मेरा मैं एक बात ऐसी बताई मुझे उन्होंने कि मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया और आज तक मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। वो है हिंदी। हिंदी में उन्होंने बताया, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम क्या कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम इंग्लिश में कहां पे कर रहे हैं, तो इंग्लिश में हम कहां पे कर रहे हैं, जो सेंटेंस हिंदी में जो हमारे दिमाग में आ रहा है, मैं समझ गया कि यूनिवर्सल फैक्ट और डेली रूटीन के सेंटेंस जो है वो हिंदी में कैसे होंगे। तो हिंदी में कैसे होंगे मैं आपको बताता हूं। अगर सेंटेंस के लास्ट में ताहूं, पीहूं, ते हैं, ता है, ता है, ओके, इस तरह के मतलब जितने यूनिवर्सल फैक्ट के सेंटेंस होते हैं या फिर डेली रूटीन वर्क के सेंटेंस होते हैं सब इसी से खत्म होते हैं, सेंटेंस इस तरह से खत्म होते हैं। मैं टीचर हूं, मेरा डेली रूटीन वर्क क्या है, मैं रोज पढ़ाता हूं, ठीक है, ताहू आया, ओके, कोई लेडी टीचर होगी तो रोज पढ़ाती है, ठीक है, तो तीहू आया या ती है भी कर सकते हैं, ठीक है, ता है, ती है, ये सब आप रख सकते हो, ओके। तो ये इससे आपको समझ में आ सकता है कि ये एक ऐसा मेथड है। देखिए मैं चीज बोलना चाहूंगा, मैं खान सर को फॉलो करता हूं, खान सर को इसलिए फॉलो करता हूं कि खान सर ने एक अलग ही एजुकेशन का टेक्निक स्टार्ट किया। इससे पहले ये जो कोरोना का लॉकडाउन आया उस समय वो पॉपुलर हुए, उससे पहले जितने भी टीचर्स थे, कोई अच्छा टीचर तभी माना जाता था जब उसकी इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी हो, वेदर ही इज एक्सप्लेनिंग एनी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, एनी सब्जेक्ट, एसएस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो कोई भी टीचर, और जब तक वो इंग्लिश में फ्लुएंटली नहीं पढ़ा रहा था तो वो ऑनलाइन वीडियो नेट पे अपलोड करने में डरता था। लेकिन खान सर ने एक कह सकते हैं ना कि एक नया सिस्टम सेट कर दिया उनका। अगर आप वो अपने रीजनल टोन में पढ़ाते, लेकिन देखिए पढ़ाना एक टीचर के लिए पढ़ाना और समझाना लैंग्वेज का बैरियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी लैंग्वेज में पढ़ाओ लेकिन आप इस तरह से पढ़ाओ कि स्टूडेंट के दिमाग में वो चीज को उतार दो, ठीक है। मैं खान सर को फॉलो करता हूं और मैं उनका एक वीडियो देख रहा था उसमें उन्होंने बोला कि उनके कोचिंग में एक लड़की आई हुई थी, बहुत सारे बच्चे आते पढ़ने, उसमें एक लड़की थी और वो लड़की बाल्ड थी, मतलब उसने अपना सिर मुंडवा रखा था। तो खान सर उससे पूछे कि बाबू आपने अपना सिर क्यों मुंडवा रखा है, तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे, मेरी शादी कर देना चाहते थे और इसलिए मैंने क्या किया, खुद रेजर लेके अपने सिर को मुड़ लिया, ओके। तो यहां पे खान सर ने उसके बाद, ये तो एक इंसिडेंट बताया, उसके बाद खान सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। उन्होंने ये बोला कि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं अपनी वाइफ को लेके, अपनी बहन को लेके, तो हमें हॉस्पिटल में लेडीज डॉक्टर और लेडीज अटेंडेंट चाहिए। लेकिन यहां पे समझने की बात यह है, समाज की विडंबना यह है कि आपको अपने बेटी को, बहन को पढ़ाना नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर और जो अटेंडेंट होती है वो लेडीज चाहिए, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इस पर हमें सोचना चाहिए, एक बार जरूर सोचना चाहिए हमें, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहां पर यह सिंपल टेक्निक है, इस तरह से आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है, ताहूं, तीहूं, ते है, ती है, ता है, ये सब लास्ट में आ रहा है। आपको समझ जाना है कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट का है, ठीक है, ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट का है। इतना देख के आप समझ जाओगे कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है। बहुत इजी है इस टेंस को समझना, इस टॉपिक को समझना, ओके। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देके बताता हूं, ठीक है। अभी तो ये बात हो गई कि हिंदी का सेंटेंस हमें आ गया कि कौन से हिंदी के कौन से वाक्य है जो है वो सिंपल प्रेजेंट के होते हैं, ओके। अब सबसे इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ओके। तो मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको सिचुएशन बताया। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम टेंसेस को प्रॉपरली कैसे समझ सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने यहां पे आपको नाम दे रखा है टेंसेस का, उसके बाद किस सिचुएशन में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं मैंने आपको बताया। तो ये यूज होता है यूनिवर्सल फैक्ट में और डेली रूटीन वर्क में। हिंदी में कैसे पहचानोगे कि आपका कौन सा वाक्य जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो उसमें ताहू, तीहू, ते है, ता है, ती है वाक्य के लास्ट में लगा हो तो आपको समझ जाना है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ओके, सेंटेंस है। अब बात करते हैं सेंटेंस फ्रेमिंग की। तो सेंटेंस फ्रेमिंग का एक सीक्वेंस होता है, सेंटेंस फ्रेमिंग का एक सीक्वेंस होता है। जैसे गलतियां क्या करते हैं बच्चे, बहुत बेसिक सी चीज बताया था, वो सबको पता भी होगा, लेकिन गलतियां क्या करते हैं, तो मैं ऐसा बोलूं,
मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि मैं अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा है। अब इस सेंटेंस को मुझे, अब आप देखो यहां पे लास्ट में क्या आया है, ताहू आया है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी मैंने आपको यहां पे रूल्स लिखवाया है, मैंने आपको रूल्स लिखवाया है, एफर्मेटिव का रूल, नेगेटिव का रूल, इंट्रोगेटिव का रूल। एफर्मेटिव मींस पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं इसको, ओके, जिसमें लास्ट में प्रश्न चिन्ह लगता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगता है। तो यहां पे देखिए मैं आपको समझाना ये चाहता हूं, ये सेंटेंस जो है, ठीक है, वो एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है। अब एक और चीज आपको ध्यान देना है, यहां पे जो बहुत शुरुआत से सीख रहे होते हैं उनको एक चीज ध्यान देना है कि आप इंग्लिश में एग्जैक्टली हिंदी के वर्ड्स को ट्रांसलेट करके, ठीक है, करेक्ट इंग्लिश सेंटेंस नहीं बना सकते। कैसे, जैसे मान लो सेंटेंस में पहले आई है, ठीक है, तो मैंने आई लिख दिया, फिर है अंग्रेजी तो उसको मैंने लिख दिया इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद है पढ़ाता हूं, पढ़ाता हूं को बोलेंगे टीच। आपका सेंटेंस क्या बना, आप देखो, आई इंग्लिश टीच। देखिए मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं जिनको नॉलेज है, आज बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब में प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश ना आने की वजह से, तो वो लोग जब शुरुआती स्टेज में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम आती है, आई इंग्लिश टीच इस तरह का सेंटेंस बन गया, और इस तरह का सेंटेंस अगर आपने किसी के सामने बोला तो दे आर गोइंग टू लाफ एट यू, वो आप पे हंसेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या, उसका क्या सॉल्यूशन है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूं। तो उसका सॉल्यूशन है ये, हमारा जो रूल है, हमें रूल्स को देखना है, इंग्लिश के जो रूल्स है, टेंसेस के जो रूल्स है, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल जो है एफर्मेटिव का रूल, देखिए ये सेंटेंस जो है वो आपका एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य बोलते हैं इसको, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ठीक है, ये है सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। लेकिन सिंपल प्रेजेंट में भी मैं आपको तीन या चार टाइप के सेंटेंस बताने वाला हूं, पहला एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नार्थ या प्रश्नवाचक वाक्य, ओके, और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करें एफर्मेटिव सेंटेंस की, और एक एग्जांपल मैं आपको देके बता रहा हूं। अब देखिए यहां पे है क्या, तो एफर्मेटिव सेंटेंस का आप रूल देखिए, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ओके, और देखिए टेंसेस के लिए क्या क्या जरूरी है मैं आपको बता देता हूं। टेंसेस के लिए, टेंसेस स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो हमें वर्ब आनी चाहिए, अगर मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को टेंसेस, तो मैं बच्चों को बोलता हूं कम से कम 500 या 1000 वर्ब का लिस्ट बना लो, 500 टू 1000 वर्ब का लिस्ट बनाओ, और 500 वर्ब का अगर लिस्ट बनाते हो आप तो उसका सेकंड थर्ड फॉर्म के साथ 1500 हो जाता है वो, 1000 वर्ब का लिस्ट बनाते हो तो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म के साथ सीधा वो पहुंच जाता है 3000 पे। अगर आपने, मैं आपको रट्टा नहीं मारना है वहां पे, आपको बस एक बार उसको देख लेना है, आपको याद रहेगा, ठीक है। बहुत सारे वर्ब है जिसमें आपने ईडी लगा दिया, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाते हैं, ओके, और बहुत कम ऐसे वर्ब है जिसको आपको पूरी तीनों फॉर्म को चेंज करना पड़ता है। तो आप एक बार लिस्ट बना के कहीं पे लिख लेते हो ना, तो भी एक बार बस आपको लिखना है ध्यान से, और लिखते लिखते पढ़ लेना है, आपका वर्ब का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, क्योंकि जैसे जैसे टेंस आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा कि वर्ब का सब में फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म्स यूज होते हैं वर्ब के। तो यहां पे आ जाते हैं फिर मुद्दे पे, तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस में आप रूल देखिए, रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट है। अब प्रश्न ये कि सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट मतलब क्या, तो सब्जेक्ट मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं कर्ता, क्या होता है, कर्ता, इंग्लिश में बोले तो डूअर, डूअर मतलब जो कर रहा है, ठीक है। अब मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, अंग्रेजी पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अच्छा, अब सब्जेक्ट यहां पे क्या है, सब्जेक्ट अगर आप देखो यहां पे, अगर आप देखो तो सब्जेक्ट क्या है, तो आई है, और रूल के हिसाब से ही पहले सब्जेक्ट आएगा, तो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, ओके। सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, ओके, वर्ब आपको पता ही हुआ क्या होता है, मेरे मैं इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाया हूं और जल्दी मैं अपने चैनल पे डालूंगा। तो वर्ब क्या होता है, तो वर्ब आपको पता है कि एनीथिंग विच यू आर डूइंग, कोई भी एक्शन और मूवमेंट को वर्ब बोलते हैं, जो आप कर रहे हो, ठीक है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो यहां पे पढ़ा रहे हो,
तो पढ़ाना, टीच जो है वो वर्ब है। तो आप सेंटेंस का सीक्वेंस देखिए किसके बाद क्या आता है। पहले सब्जेक्ट आया तो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। एक सेंटेंस नीचे लिख के देखते हैं, करेक्ट सेंटेंस, ये तो आपका इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया, आपने ट्रांसलेट किया है बट इंग्लिश में रॉन्ग हो गया। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर हमें क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब, अब वर्ब इसमें क्या है, तो पढ़ाना वर्ब है, तो पढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीच, और टीच फर्स्ट फॉर्म ही है, टीच टॉट टॉट, ठीक है। सेकंड थर्ड फॉर्म यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो आई टीच आपने लिख दिया यहां पे, ओके। अब उसके बाद क्या होता है, सबसे लास्ट में क्या आएगा, देखिए सब्जेक्ट आ गया, वी वन आ गया, एस सी एस का कहां पे यूज है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। एस सी एस का क्या यूज है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, बस अभी यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना। तो एस सी एस को फिलहाल यहां पे यूज नहीं करना है, ठीक है। आई के साथ वर्ब में एस सी एस नहीं लगाते, ओके। तो हमने आई के बाद वर्ब लिख दिया, आई के बाद सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, और उसके बाद हम डायरेक्टली किस पे चले जाएंगे, ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है आपका, इंग्लिश है, ओके। तो आपने देखा ये आपका करेक्ट सिक्वेंस है, ये सिक्वेंस आपको कहां से मिला। अगर आप ये वाला ट्रांसलेशन करते तो लोग आप पे हंसते, बोलते कि गलत है, लेकिन अगर आप ये नीचे वाला ट्रांसलेशन करते हो तो लोग आपको कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आप 100% करेक्ट हो। तो ये वाला ट्रांसलेशन होगा कैसे, करेक्ट ट्रांसलेशन कैसे हो पाएगा, आपके दिमाग में थॉट्स हिंदी में आ रहे हैं उसका करेक्ट ट्रांसलेशन कैसे हो पाएगा, तो वो टेंसेस के थ्रू हो पाएगा, टेंसेस के रूल्स के थ्रू हो पाएगा। तो आप देखिए टेंसेस का जो अफर्मेटिव रूल है उसमें दिया है सब्जेक्ट, वी वन, एसईएस, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई के साथ हम वर्ब में एसईएस का यूज नहीं करते, तो हमने क्या किया, अपने रूल्स को फॉलो कर लिया। पहले सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट आई आ गया, उसके बाद हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लिया, टीच आ गया, और फिर लास्ट में हमने इंग्लिश ले लिया जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ओके। ये सेंटेंस हमारा 100% करेक्ट है, ये सेंटेंस जो है वो हमारा 100% करेक्ट है। तो आपको याद रखना है, जब भी मैं बच्चों को एक चीज बोलता हूं कि आप रूल्स लर्न कर लो, एक बार आप टेंसेस का रूल लर्न कर लो, आपका टेंसेस अगर सही हो गया, मैं पढ़ने वाला जो स्कूलिंग स्टूडेंट है उनकी बात कर रहा हूं, एक बार अगर उनका टेंसेस अच्छा हो जाता है तो क्या क्या चीजों में इंप्रूवमेंट आता है वो मैं आपको बताता हूं। टेंसेस अच्छा हो गया, टेंसेस के बाद वाला टॉपिक जो है एक्टिव पैसिव वॉइस वो हो जाता है उनसे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच टोटली टेंसेस के ऊपर डिपेंड है, ग्रामेटिकल टॉपिक, हर टॉपिक कहीं ना कहीं टेंसेस के ऊपर डिपेंड है ही। चलिए ग्रामेटिकल टॉपिक की बात छोड़ो, स्टूडेंट का जो राइटिंग सेक्शन होता है जिसमें वो लेटर लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं, ऐसे राइटिंग है, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो है अगर उसमें अगर आपने गलती से भी ग्रामेटिकल मिस्टेक किया, एज अ टीचर मैं जब चेक कर रहा हूं, जैसे मान लो कि मैं रिपोर्ट राइटिंग चेक कर रहा हूं, तो रिपोर्ट राइटिंग आपको पता है कि पूरे का पूरा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। अगर आपने गलती से भी इज एम आर, हैज हैव, विल शैल, इन सब का यूज किया, मैं वहां पर राउंड करके आपका मार्क्स कट करके आगे निकल जाऊंगा, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर एक सिर्फ आप टेंसेस में वर्क कर लेते हो तो आपका पूरे का पूरा इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। मैं बड़े बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं 9th से लेकर 12th तक की बच्चों की बात कर रहा हूं। 8th तक जब आप पढ़ रहे होते ना प्राइमरी में, तो क्या होता है, बंद करो नहीं। देखिए प्राइमरी सेक्शन जो होता है ना उसमें आपको वर्कशीट वगैरह मिल जाता है, सिलेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं उस समय बच्चों का माइंड भी इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो हमारे स्कूलिंग सिस्टम में यही होता है कि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर उसको मगअप करके लिख डालते हैं। लेकिन जब आप 9th में हो, चलो 9th तक की बात छोड़ते हैं, 10th में आ गए, बोर्ड का एग्जाम देना है, आपको पता ही नहीं कि आपका क्वेश्चन पेपर कौन बनाने वाला है, और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट आपके पास साइंस है, एसएस है, मैथ्स है, इन सब में अच्छा खासा आप टाइम दे रहे हो, ठीक है। 11th 12th में जाओ तो और झंझट बढ़ जाता है, चाहे साइंस हो या कॉमर्स हो, ठीक है। आप साइंस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स या ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, इनके पीछे आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। कॉमर्स में जाओ तो आपके पास एसपी है, इको है, बीए है, अकाउंट है, स्टेट है, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट है। तो मैं तो अपने स्टूडेंट को यही बोलता हूं कि आप इंग्लिश एग्जाम से 2-4 दिन पहले भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, 2 दिन पढ़ लो, आपका इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन पढ़ाई इस तरह से करोगे तो एक ये टॉपिक जो है ना टेंसेस, ठीक है, इसको आप कर लो, आपका सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, आपका साइंस, आपका एसएस, मैथ्स में भी थोड़ा थ्योरी वगैरह आता है, वो भी लिखना होता है, ओके। वो मतलब आपके जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है उसका प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो चलिए फिर से अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। तो आपने देखा कि ये सेंटेंस जो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसको मैंने रूल्स फॉलो करके जब ट्रांसलेट किया, यहां पे मैंने ट्रांसलेट किया था, वर्ड टू वर्ड किया था, पहले मैं था उसका आई कर दिया, अंग्रेजी का इंग्लिश कर दिया, पढ़ाता हूं तो टीच कर दिया, मेरा सेंटेंस रॉन्ग था। लेकिन जैसे ही मैंने रूल्स को फॉलो किया, सब्जेक्ट वी वन ऑब्जेक्ट, जैसे इसको फॉलो किया मैंने, मेरा सेंटेंस 100% करेक्ट है, ओके। अभी इसी सेंटेंस को अगर मुझे
रूल वन, इसी सेंटेंस को जो मैंने सेंटेंस लिखा है, मैंने सेंटेंस लिखा है आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, ओके। इस सेंटेंस को मुझे एफर्मेटिव से नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो मुझे ऊपर वाले रूल्स को फॉलो करना है। मुझे क्या करना है, ऊपर वाले रूल्स को फॉलो करना है। नेगेटिव में जब मैं इस सेंटेंस को कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा उसका नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। शॉर्ट में करो तो आई डोंट टीच इंग्लिश, ओके। तो यहां पे मैंने क्या किया है, तो मैंने रूल्स फॉलो किया। अगर आप यहां पे देखो तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखो, पहले सब्जेक्ट, तो मैंने यहां पे पहले सब्जेक्ट लिखा, डू डॉट में से मैं डू सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि देखो यहां पे एफर्मेटिव सेंटेंस के जो वर्ब है उसमें अगर एसईएस ना लगाओ, या सिंपल आप याद रख सकते हो कोई सेंटेंस, अगर मैं आपको यहां पे लिस्ट बता देता हूं, लिख के बता देता हूं, आई वी यू ही सी इट दे, सिंगुलर नेम प्लूरल नेम। अब देखिए यहां पे आप आई वी जो है ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ये क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, यू जो है वो आपका सेकंड पर्सन है, क्या है ये सेकंड पर्सन, ओके। ही सी इट दे सिंगुलर नेम प्लूरल नेम, ये सारे क्या है आपके थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, ओके। अब आपको याद रखना, अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, आई जो है अब फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन सा है प्लूरल कौन सा है वो देख लेते हैं। आई जो है वो आपका सिंगुलर है, वी जो है वो प्लूरल है, ओके। यू जो है वो दोनों है, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब बात करते ही सी इट, तो ही जो है वो सिंगुलर है फॉर मेल, सी जो है वो सिंगुलर है फॉर फीमेल, इट जो है वो सिंगुलर है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल, दे जो है वो इन तीनों का प्लूरल फॉर्म होता है, ओके। तो अब आपको यहां पे ध्यान देना है कि सेंटेंस, अगर सेंटेंस अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ओके, सिंगुलर और प्लूरल की बात यहां पे नहीं हो रही है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में प्लूरल से स्टार्ट हो रहा है। थर्ड पर्सन में प्लूरल यहां पे दो है, एक ये दे और एक प्लूरल नेम, ठीक है। सिंगुलर नेम मतलब राम, राम सिर्फ एक पर्सन का नेम है, तो सिंगुलर सिंगल नेम हो गया, सिंगुलर नेम हो गया, और राम एंड श्याम दो लोगों का नाम हमने ले लिया या दो से ज्यादा लोगों का नाम हमने ले लिया, तो प्लूरल नेम हो गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ, थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर जो है वो दो है, ठीक है, पहला दे और दूसरा प्लूरल नेम्स जो आते हैं वो, ठीक है, तो इनसे स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे हमें वर्ब में एसीएस नहीं लगाना है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो वहां पे हमें वर्ब में एसीएस नहीं लगाना है, तो वैसे ही जैसे हमने यहां पे सेंटेंस को आई से स्टार्ट किया, आई जो है वो क्या है फर्स्ट पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन में हमें वर्ब के साथ एसीएस लगाना ही नहीं होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन के साथ भी वर्ब में एसीएस नहीं लगाना है, थर्ड पर्सन में गिने चुने हैं ही सी इट और सिंगुलर नेम, उनके साथ ही वर्ब में एसीएस लगाया जाता है, बाकी दे और जो प्लूरल नेम होते हैं उनके साथ हम वर्ब में एसीएस नहीं लगाते। तो यहां पे आई से स्टार्ट किया हमने सेंटेंस, इसलिए हमने आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया है, एसीएस का यूज नहीं किया है, डायरेक्टली हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया है। नेगेटिव में जब आप कन्वर्ट करोगे तो यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, सब्जेक्ट के बाद डू डज में से कौन सा लेना है, तो मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे आपको क्या करना है, डू का यूज करना है, ओके। इसलिए यहां पे डू का यूज किया, और यहां पे रूल में एक चीज छूट गया था, वो है नॉट। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो भाई नॉट लगाना जरूरी है, जो हमसे छूट गया था, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा रूल आता है, ओके। तो हमने क्या किया, अपने रूल्स को फॉलो किया, हमने क्या किया, अपने रूल्स को फॉलो किया, हमने पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर रूल के हिसाब से डू डज में से हमने डू सिलेक्ट किया, फिर हमने क्या किया नॉट लगाया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच लिख दिया, और फिर लास्ट में इंग्लिश। वैसे ही हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव का भी वैसे ही लिखना है, इंट्रोगेटिव में भी हम डू से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट में आई है, तो डू आई टीच इंग्लिश, डू आई टीच इंग्लिश, ओके। आप चाहो तो इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कर सकते हो,
डोंट आई टीच इंग्लिश, ये आ जाएगा। ओके, तो इंट्रोगेटिव रूल भी मैंने फॉलो किया है, डू वर्ब में से मैंने डू को लिया है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट में यहां पे आई है। ओके, और फिर आई के बाद हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाला है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलना है, क्योंकि फिर आपका सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाएगा। और ग्रामर जो होता है बहुत रिस्की सब्जेक्ट है, अगर आपका गलती से एक कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब भी छोड़ जाता है तो दूसरा आपका पूरा मार्क काट देता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको केयरफुल रहना है। तो आपने देखा कि ये सेंटेंस जो है आई से स्टार्ट हो रहा था, ये सेंटेंस जो है वो आई से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए हमने वर्ब में एसईएस यूज नहीं किया है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में हमने डज का यूज नहीं किया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमने डज का यूज नहीं किया। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं, सेम सेंटेंस है, इसी को मैं अगर, इसी सेंटेंस को अगर मैं ही से स्टार्ट करता हूं, इसी सेंटेंस को अगर मैं ही से स्टार्ट करता हूं, ओके, ही टीचेस इंग्लिश, ऐसा आएगा। देखा आपने, जैसे ही मैंने ही से सेंटेंस को स्टार्ट किया, वैसे ही वर्ब का जो वर्ब जो टीच था उसमें ईएस ऐड हो गया। ओके, एससीएस में से हमने एससीएस का यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो ही टीचेस इंग्लिश हो जाता है, ठीक है। इस सेंटेंस को जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहां पे डू के बदले डज का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डज। तो ही डज नॉट टीच इंग्लिश। कभी आप ऐसा मत बोलना, कभी आप ऐसा मत बोलना कि ही डज नॉट टीचेस इंग्लिश, गलत हो जाएगा। आप देखो रूल को ध्यान दो, मैं बोलता हूं एक ही चीज को ध्यान देना है, ठीक है, रूल को ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो रूल में क्या है, आप डू या डज में से कुछ भी यूज करो, सब्जेक्ट के बाद आप डू या डज में से कुछ भी यूज करो, आपको क्या करना है, नॉट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। याद रखना है कि अगर आपने डज का यूज किया है तो वर्ब में एससीएस नहीं लगेगा। तो यहां पे ही डज नॉट टीच इंग्लिश आ गया, और इंट्रोगेटिव जब करेंगे तो क्या आएगा, डज, डज ही टीच इंग्लिश, डज ही टीच इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। ओके, यहां पे ये सेंटेंस ही से स्टार्ट हुआ है। अगर ये सेंटेंस सी से स्टार्ट होता या इट से स्टार्ट होता या सिंगल नेम से स्टार्ट होगा, सिंगुलर नेम से स्टार्ट होगा, तो भी हम यही फॉलो, यही रूल फॉलो करते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं, ये देखिए शुरुआत में आप बोलना चाहेंगे ना, जैसे मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई टीच इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ाता है तो वहां पर ही टीच इंग्लिश नहीं आएगा, ही टीचेस इंग्लिश आ जाएगा। ओके, तो ये अचानक से आपको नहीं आ जाएगा, और बोलने में तो कभी कभी मिस्टेक हो ही जाएगा, ही टीच इंग्लिश आप बोलोगे जल्दी में, आई टीचेस इंग्लिश बोलोगे जल्दी में। लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको दिमाग में कॉन्स्टेंटली रखोगे, ठीक है, तो धीरे धीरे अपना आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा कि आपको आदत लग जाएगी, आप कभी भी ही के साथ डू नहीं लगाओगे फिर, ठीक है। आप लोग आप क्या लिखोगे, ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ही डज नॉट टीचेस इंग्लिश नहीं बोलोगे आप। तो धीरे धीरे ये सब चीजें क्या आपको दिमाग में रखना है, प्रैक्टिस करना है। और मैं बच्चों आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा, लास्ट में एक सजेशन दे रहा हूं टेंसेस पढ़ाने के साथ, लास्ट में एक सजेशन ये दे रहा हूं मैं कि जब भी आप देखो रूल्स याद करना जरूरी है, और मैं रूल्स के स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप ऐसा दिमाग पर प्रेशर लेके रूल्स को याद मत करो। आपको क्या करना है, एक लिस्ट बना लो रूल्स का, अपने जेब में रख लो उसको, ठीक है, एक लिस्ट बना लो और उसको अपने जेब में रख लो। अब जेब में रख के क्या करना है, ऐसा नहीं कि सिंगदाना वाले के पास गए, चना दाना वाले के पास और चना ले लिया, खाते रहे उस पर, ऐसा नहीं करना है। अब मान लो आप खेलने गए क्रिकेट ग्राउंड पे खेलने गए, अब क्रिकेट ऐसा गेम है कि एक टीम फील्डिंग कर रही होती है और एक बैटिंग कर रही होती है। बैटिंग जब कर रही होती है होते 11 प्लेयर है, लेकिन दो ही बैटिंग कर रहे थे, बाकी के 9 बैठे रहते हैं। तो आप जब 9 आप उन 9 में से हो जो बैठे हुए, तो आप वहां पे अपने जेब से निकाल के उसको रिवाइज कर सकते हो। और मैं आपको बोल रहा हूं कि एक चीज को अगर आप बार बार रिवाइज करते हो ना, तो आपके दिमाग में वो घुस जाएगा और फिर वो निकलने वाला नहीं है। तो मैं अब भी से बोल रहा हूं प्राइमरी के बच्चों को ही ये स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है, कि आप जब 10th में आओ, 12th का जब बोर्ड के एग्जाम देने हो, उस समय आपके दिमाग में रूल्स फिट हो जाए। और एक बार रूल्स अगर आपके दिमाग में आ गया तो फिर क्या होगा, सब कुछ सही रहेगा। ओके, तो आई होप आज का जो हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए अब हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की, पहले तीनों सिंपल टेंस को ले लेंगे। ओके, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करोगे तभी नॉलेज बढ़ेगा। तो तब तक के लिए अगले क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।